subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हर फैंस जानता भी है और बखूबी से। वो अब बड़े ही अच्छे पैमाने पर अब अपने आप को निखारती हुई भी नजर आ रही है। कैसे, हम आपको बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की, जो कि इंडस्ट्री में अपना नाम और पहचान बना चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब बॉलीवुड इंडस्ट्री का चेहरा सामने आ रहा है तो विद्या बालन बिल्कुल चुपचाप चुप्पी साधे हुए हैं। और अब आपको बता दें कि जिस मुकाम पर आज विद्या बालन है उसके लिए यकीनन हर एक्टर और एक्ट्रेस पहुंचने के लिए मेहनत करता है। और विद्या बालन उन अभिनेत्रियों में से एक है जो अकेले किसी फिल्म को चलाने का मादा रखती है, तो ये गलत होगा कहना। आज भले ही विद्या बालन बॉलीवुड की सफल एक्ट्रेस है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब उन्हें अपने शरीर से नफरत हो गई थी। जी हाँ, विद्या बालन का एक ट्वीट सोशल साइट्स पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने लिखा कि एक वक्त ऐसा था जब मैं अपनी बॉडी से खुद नफरत करती थी, मैं अपने शरीर से खुद नफरत करती थी। और इसके पीछे भी उन्होंने एक लॉजिक बताया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी थी जब मैं छोटी थी, लोग मुझे क्यूट कहते थे तो अटेंशन पाकर मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब जब मैं अपने आप को और भी अटेंशन देकर अपनी सुंदरता को निखार रही हूँ, अपने आप को पतली कर एक बार फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम और धाक जमाने की कोशिश कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी को इस चीज़ को लेकर जलन जरूर होगी, लेकिन जिसको भी हो वो मुझे पहले ही आकर बोल दे। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस अब विद्या बालन इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क है और वो सोशल साइट्स पर अपने फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ न्यूज़ रूम से। दीपक कुमार तोमर की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.